सौ स्वागत है आपका। तो सौ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नामाशी चक्रवर्ती के बारे में आज का वीडियो है। आप जानते हैं कि बैड बॉय फिल्म आई थी, उनकी राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी फिल्म, हालांकि उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई थी। उसके बाद में दोस्तों ज्यादा मौके मिले नहीं उनको, और मिमोह चक्रवर्ती को भी ज्यादा मौके मिले नहीं। जितने मौके मिले उनकी कोई ज्यादा बड़ी फिल्म हिट हुई नहीं। तो अब दोस्तों जो नामाशी चक्रवर्ती है और मिथुन चक्रवर्ती है, मिमोह चक्रवर्ती, उन्होंने एक कंपनी खोल ली है, प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है, MYRND मायरंड मूवीज के नाम से। तो अब ये बहुत सारी फिल्में बनाएंगे। तो अगर आप नामाशी चक्रवर्ती के प्रशंसक हैं तो अब आपको उनकी फिल्मों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सारी डिटेलिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कितनी फिल्में उनकी अब आने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों नामाशी चक्रवर्ती ने महेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी के साथ में एक कोलोब्रेशन किया है, जो एक थ्रिलर मूवी बना रही है, ड्रामेटिक थ्रिलर मूवी। और दोस्तों इसमें नामाशी चक्रवर्ती प्रमुख भूमिका में होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म को विप्लव गोस्वामी जिन्होंने लापता लेडीज अभी फिल्म आई थी उसको डायरेक्ट किया था, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो इस एक बड़ी फिल्म से आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये फिल्म फरवरी 2025 में मतलब शुरू हो जाएगी, तो ये एक बड़ी फिल्म ज़रूर है। तो ये फिल्म काफ़ी बड़ी होगी 2025 में। अब इसकी अभी डेट आ गई है, फरवरी 2025 में रिलीज करेंगे या शुरू होगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म बनने वाली है। इसकी स्क्रिप्ट का काम चल रहा है इस समय। मेरे हिसाब से फरवरी 2025 में इसको रिलीज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें अपन और अन्य फिल्मों की, तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं नामाशी चक्रवर्ती, जिनमें दोस्तों आपको नाम बता देता हूँ। इसमें एक तो ये इजहार नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इन्होंने, जिसमें वो खुद अभिनय कर रहे हैं। एक दोस्तों तितली नाम से उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। और एक दोस्तों बाहर आ चमन बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इससे नाम से भी वो एक फिल्म बना रहे हैं। ये तीनों फिल्में बनाई है उन्होंने, जो जल्दी ही रिलीज होगी। साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, वो एक रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज बना रहे हैं जिसकी शूटिंग चल रही है, इसी साल रिलीज होगी। और दोस्तों ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म मिमोह चक्रवर्ती के लिए भी इनकी कंपनी बना रही है, जिसमें महाक्षय यानी कि मिमोह चक्रवर्ती भी नजर आने वाले हैं। रही बात मिथुन दा की, तो मिथुन दा ने अपने बेटों से कहा है कि अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट हो तो ऐसी स्क्रिप्ट लेके आइए जिसमें मैं भी काम करूँ। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दोनों बाप बेटों के साथ मिथुन दा भी साथ में नजर आए। और योगिता बाली को भी वो फिल्मों में वापस ब्रेक देने की कोशिश करेंगे, साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो अब आप अगर मिमो के और नामसी के प्रशंसक है, मिथुन दा के प्रशंसक है, तो अब आपको इनकी फिल्मों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल से इनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। और टैलेंटेड एक्टर है नामाशी भी और मिमो भी, तो अब इनको मौका मिलेगा। और जब इनकी होम प्रोडक्शन की फिल्में बड़ी हिट हो जाएगी तो फिर इनको बॉलीवुड वाले भी नोटिस करेंगे और इनको मौके देंगे, जैसे कि अन्य स्टार किड्स को मौके दे रहे हैं, तो इनको भी डेफिनेटली मौके मिलने चाहिए। तो नामाशी चक्रवर्ती के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।